कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है हमारे प्लांट पर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते या अच्छे फ्लावर और फ्रूट्स नहीं मिलते। तो आज का जो मेरा वीडियो है फ्रेंड, वो इसी टॉपिक पर है कि कैसे आप घर में होममेड फर्टिलाइज़र बनाएं, फ्री की चीज़ों से अपने प्लांट को दें, अच्छी ग्रोथ उस पर लें, अच्छे फूल और फल। तो आज का जो मेरा वीडियो है फ्रेंड, वो मेरा इस हिबिस्कस के प्लांट के बारे में है। तो कौन सी केयर टिप्स मैं इसको देती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इसको देती हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट इतना हेल्दी और इतना घना हो रखा है। देखिए, लास्ट ईयर मैंने अपने प्लांट के एक हार्ट ट्रूनिंग कर दी थी और अब देखिए कितनी सारी ब्रांचेज इस पर निकल गई हैं। और ये मेरा एक 18 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट है, कितना खूबसूरत, कितना घना ये हो रखा है। तो इस पर मैं ले रही हूँ ढेरों फ्लावर इस प्लांट पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, जो सबसे पहली जो काम होता है आपका प्लांट के साथ, वो आपको अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई ऐसी करनी है कि जो इस पर ये फालतू की रूट्स आ रही हैं, जो भी दिक्कत आ रही हैं, इनको सारा जो है प्लांट से हटा देना है। और प्लांट में जो है आपको बढ़िया से इसकी गुड़ाई, लगभग आपको 2 से 3 इंच तक इसकी गुड़ाई कर लेनी है। अगर कोई खरपतवार प्लांट पर उग आया है तो वो भी आपको हटा देना है। और सारा जो मैं आज बताऊंगी कि कैसे आप अपने गुड़हल के प्लांट पर, अपने हिबिस्कस के प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो बने रहेगा वीडियो में फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। मेरी खुशियों की बगिया से फ्रेंड, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी किचन में, हमारे घर में, जो हम सोचते हैं कि ये बेकार की है, लेकिन वो कितना यूज़फुल हमारे प्लांट के लिए हो सकता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो है थोड़ा सा जो है मैंने बनाया था ये लस्सी का मिक्सचर, और थोड़ा सा मैंने ये दे दिया अपने प्लांट को। बाकी जो है फ्रेंड, ये मेरा एक आपके घर में भी आलू की सब्ज़ी तो सभी के घरों में बनती होगी, और उसके जो छिलक बच जाते हैं उन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन शायद आपको पता ना हो, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं, विटामिन्स, और ये बहुत ही लाभदायक जो है हमारे प्लांट्स के लिए होते हैं। तो इसमें जो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप इसका फर्टिलाइज़र बनाएं, जिससे इंस्टेंट आपके प्लांट में ग्रोथ आए और किसी फंगस का भी डर ना रहे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत सारे मेरे जो है आलू के पील्स निकल गए थे, तो आज तो खैर थोड़ा कम ही निकले हैं, लेकिन कई बार तो खूब सारे निकल जाते हैं। तो हर छाती में डाल लेना है कुछ पानी, और इसका बना लेना है आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट, एक अच्छा सा पेस्ट, जिससे कि जो है आपका आपके प्लांट को मिल सके एक अच्छी ग्रोथ। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया है पूरा ग्राइंड, और उसके बाद आपको इसको छन्नी से छान लेना है, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड, अगर आप डायरेक्टली भी वैसे आप आलू के छिलक को अपने प्लांट में डाल सकते हैं, अपने प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फंगस का डर रहता है, तो उससे बचने के लिए जो है हमें ये सारा काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए, मेरा बन गया एक गाढ़ा सा पेस्ट, और इस पेस्ट को जो है आप ले लेंगे एक कांच के गिलास में, जिससे कि जो है कांच के गिलास में कोई भी फर्टिलाइज़र इसलिए लिया जाता है फ्रेंड, या आप कांच की बॉटल में ले लीजिए, कांच के गिलास में ले लीजिए, या प्लास्टिक के कंटेनर में ले लीजिए, ताकि किसी भी केमिकल का इसके साथ रिएक्शन ना हो। तो इसलिए, और साथ ही में आपको ले लेनी है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कोई भी कॉफ़ी आपके घर में हो तो लगभग हाफ स्पून, एक प्लांट के लिए या दो प्लांट के लिए हाफ स्पून कॉफ़ी, और थोड़ा सा ये जो है आलू पील्स का जो है ये फर्टिलाइज़र। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ये देखिए, ये इतनी मैंने ये कॉफ़ी ले ली है, तो इतनी ही आपको लेनी है, तो ये आराम से आपके एक या दो प्लांट को कवर कर जाएंगे। तो ये मैंने ले लिए कॉफ़ी, और इसको मैं घोल दूँगी इस पेस्ट में। तो इस कॉफ़ी में भी जो है आपको पता ही होगा, कॉफ़ी में भी जो है पूरी तरीके से मैग्नीशियम और पोटेशियम, फॉस्फोरस, सभी कुछ इसमें भी पूरी तरीके से मिलता है, तो ये भी जो है प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और बहुत यूजफुल ये हमारे प्लांट के लिए होता है। हमारे प्लांट को बना देता है घना, हेल्दी, और उसकी लीव्स को बना देता है चमकदार। तो आपको लगेगा आपके प्लांट जो है खिला खिला सा हो रहा है, और उस पर खिल रहे हैं ढेरों फूल। तो ये देखिए, ये बन गया मेरा पेस्ट, और अब आपको ये थोड़ा बहुत काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बना हुआ है फ्रेंड, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा आपने डाइल्यूट कर लेना है, ताकि जो है प्लांट में जो है ये किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए प्लांट को। और देखिए, इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिलेंगे आपके हिबिस्कस पर भी। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड,
कि जब हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे तो प्लांट पर एकदम डायरेक्ट इसका नुकसान नहीं होगा। और बहुत ज़रूरी हैं ये सारे फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और इनकी लीव्स देखिए कितनी हेल्दी हो रही है। और जब हम इस प्रकार का फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे प्लांट पर किसी प्रकार का कोई कीट का अटैक भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी हो रहा है और कितने सारे इस पर फ्लावर खिले हैं, कितनी सारी इस पर बर्ड्स बनी हुई है, कलियाँ देखिए कितनी भर भर के बनी हुई है प्लांट पर। तो ऐसी ही कलियाँ, ऐसे ही फूल आपको भी मिलेंगे जब आप भी इस्तेमाल करेंगे इस फ्री के फर्टिलाइज़र को। तो अभी इसको इस्तेमाल करने का मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगी, किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने अपने प्लांट को इतना हेल्दी और ख़ूबसूरत बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, जब मैंने लास्ट ईयर ट्यूनिंग करी थी तो इस टाइम पर मेरी एक ही ब्रांच से जो है लगभग 10 ब्रांचेज निकली हुई है। और कलियाँ देखिए प्लांट पर, देखिए हर टहनी पे इतनी कलियाँ खिली हुई हैं कि दिल खुश हो जा रहा है इनको देख करके। और डेली जो है मेरे काफ़ी सारे मेरे ये फ्लावर खिलते रहते हैं। तो गुड़हल का फ्लावर भी जो है माता रानी को बहुत पसंद होता है, तो ज़रूर चढ़ाएं अपनी माता रानी को ये गुड़हल के फ्लावर। और स्पेशली रेड कलर का है तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करके आपने देखे फ्रेंड, ये जो है मैंने थोड़ा सा देखिए वाटर के साथ इसको कर दिया है मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट, ताकि जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ये बने और प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो नीचे भी ये रह गया था तो फिर मैं इसको भी घोल ले रही हूँ उसमें। और आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए जैसे मैंने एक गिलास ये बनाया था तो लगभग ये मुझे तीन प्लांट्स में देना है। तो आप इसको रोज़ में भी दे सकते हैं, आप इसको हिबिस्कस में भी दे सकते हैं, आप किसी भी परमानेंट फ्लावर प्लांट में इसको देंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और टाइम टू टाइम मैं बताती रहती हूँ आपको कि कौन से फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में दें ताकि आपको भी मिल सके मेरी तरह इतनी ह्यूज फ्लावरिंग अपने प्लांट। तो अपने प्लांट पर इतनी खूबसूरत और इतनी हेल्दी फ्लावरिंग लेने के लिए देखते रहें मेरे वीडियोस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि मैं कौन से प्लांट में कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ, कैसे मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ, ताकि मुझे मिल पाते हैं अपने प्लांट पर इतनी हेल्दी फ्लावरिंग और इतने खूबसूरत फ्लावर। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।